हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का थॉट्स है, इफ यू हैवंट मीट योर सेल्फ इन अ डे, यू हैव मिस द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू मीट द बेस्ट पर्सन इन योर लाइफ। मतलब अपने आप के लिए टाइम काटिए, ठीक है। अगर आप पूरे दिन में अपने से बात नहीं करते हैं, तो आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे बेस्ट इंसान है उनसे मिलने की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, ये बात है। तो हमें क्या, अभी क्या होता है, सबको काम के लिए और पैसे कमाने के लिए भागे दौड़े जा रहे हैं, खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए टाइम निकालिए, अपने आप से पूछिए क्या व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम डूइंग एंड व्हाट कुड बी द रिजल्ट ऑफ द थिंग विच आई एम डूइंग। हम क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और मैं जो कर रहा हूँ उसका क्या रिजल्ट हो सकता है। तो ऐसे कुछ सवाल अपने आप से खुद से पूछिए, ठीक है। अभी क्या है, व्लॉग बनाना शुरू ही किया है मैंने, तो थोड़ा वीडियो क्वालिटी और वो सब कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो चला लीजिए क्या, क्योंकि मानस मात्र भूलने पात्र, मैं आदमी से ही गलती होती है। तो थोड़ा बहुत ऐसा वैसा वीडियो कोई इस तरह से का कंटेंट या इस तरह का कुछ आ जाए तो चला लीजिएगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। सीखता हूँ मैं भी, तो धीरे धीरे सीखूँगा, जैसे जैसे आपकी कमेंट आएगी और उसके मुताबिक देखते हैं, इम्प्रूव करता रहूँगा अपने आप को, तो देखते रहिए। और ये एक बात, हाँ, ये जो दिख रहे हैं आपको वो बोट के एयरपोर्ट्स है, थोड़ा अच्छा क्वालिटी है, प्रैक्टिकल यूज़ में अच्छा यूज़ कर सकते हो। और भी कोई अगर आपको बोट की कोई प्रोडक्ट अच्छी लगती हो और बाय करना है, तो अभी शायद कुछ सेल, दिसंबर सेल या ऐसा कुछ एंडिंग सेल चल रहा होगा, और नीचे एक डिस्क्रिप्शन लिंक में, डिस्क्रिप्शन में एक लिए मैं लिंक शेयर कर दूंगा, अगर वो आप कूपन कोड डालोगे तो आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी आप एयरपोर्ट्स या फिर वायरलेस जो होते हैं वो ईयरफोन्स या कुछ भी ले लो, तो उसमें आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है। तो चेक कर लेना एक बार, अच्छा लगे तो ले लेना। और एक बात, अभी विंटर का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो ठंडी भी बहुत ज़ोर की पड़ रही है, तो इस मौसम में बाहर निकलिए और थोड़ा सा, ये देखो पीछे से टांके से पानी गिर गया, अभी वो मोटर चालू है तो पानी भर रहा है, तो ओवरफ्लो होकर थोड़ा गिर गया। तो क्या है कि थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए सुबह सुबह, और आपको जो भी म्यूज़िक अच्छा लगता है वो म्यूज़िक सुनिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि म्यूज़िक सुनने से और एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी में एक फील गुड हार्मोन, अगर आपको गूगल करना है तो कर सकते हो, एक हार्मोन का हार्मोन होता है जिससे आपके शरीर में अच्छा, सब अच्छा ही होता है, तो आप बहुत अच्छा फील करोगे, तो उसका जो प्रमाण है वो बढ़ जाता है। तो थोड़ा वो भी कीजिए एक्सरसाइज, अपने खुद के लिए टाइम निकालिए, 24 घंटे में से 15-20 मिनट तो कम से कम निकालिए ही, थोड़ा एक्सरसाइज भी कीजिए और थोड़ा म्यूज़िक भी सुन सकते हो, उससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छा, डिप्रेशन आपको नहीं आएगा। तो ये रूटीनली रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, ठंडी का मौसम है, बहुत ठंडी पड़ रही है, तो बाहर जाने में भी आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी तो आप जो सन बाथ है वो भी ले सकते हो, वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। देखते हैं अभी आगे नीचे क्या हो रहा है, सब क्या कर रहे हैं। मम्मी जय श्री कृष्ण। आज का नाश्ता है रोटी और चाय और साथ में पापड़, आज भाकरी नहीं है क्योंकि बच्ची अभी भाकरी खाना छोड़ दिया, तो रोटी ही मिलेगी, तो भाकरी को भूल जाओ, कभी कभी मिलेगी भाकरी वरना ये रोटी। बच्ची जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी अभी क्या बहस हो रही थी बाहर, शू माता कट करती थी, शू कहती थी, बाने नती कहती, जोर थी बोल, शू जो श्री कृष्ण नोता की दा, जोर थी बोल, नोता कही रहा, एवं थोड़ू चाले, रोजे जय श्री कृष्ण करी लेवा वो तारे बाने होने, हाँ समझो वेदू। तो काले के वक्त तूफान कही रहा था, त्रणे भेगा थईने मीरा दीदी आयु भाई सब मिलके कितने तूफान किए थे, थोड़ी
ધરમ દાતા એમાં પછી હું એમ ગોતો ગયા ને તો પછી ભાઈ આવતો તો મમ્મી એને લેલી ધન બધા આમ બધા નીચે વળેવા તમ બધા નીચે વળેવા ક્યાં રમતા હતા ઉપર આવી ભાઈ ગયો તો એમ ગોતો ગયા હતા પછી આવ્યું ભાઈ અને મમ્મી એમ કીધું ને આવ્યું હોય એટલે વળેવો ને એટલે અમે બધા વળેવા ઓકે ये हमारी बच्ची अभी अभी नाश्ता कर रही है। बहुत ही बड़ी जिद हो गई थी, इसको खाना था पाव भाजी और मिला अभी रोटी और गुड़, और बैकग्राउंड में ये नॉइस आते हुए। ये लगती है सीधी लेकिन इसकी जिद होती है बड़ी टेढ़ी। आधे घंटे रोने के बाद जाकर यहाँ पर बैठी है। ये मेरी बच्ची उसकी डॉल से खेलती हुई। वेदू क्या कर रही हो? वेदू 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 क्या कर रही हो? बोलो तो सही, क्या कर रही हो? वो क्या है, क्या है वो, क्या है? अरे वाह, कहाँ से लाई, कहाँ से लाई? ये वॉच किसने दी आपको, वॉच किसने दी आपको, किसने दी? ये मेरी बच्ची ऊंधा माथे रेशन कर रही है। उसको कुछ नहीं मिला, ये दीवार ही मिली है। पूरी दीवार चित्री दी है, चित्रावणा कर दिया है दीवार पे। क ख ग घ और ए बी सी डी सब साथ में है सब। क्यों लिखो है ईज, तारो नो पाड़ो एम एवं थोड़ू काले कीजिए। ऐसा किस किस घर में नहीं होता है, एक साबुन जब खत्म होने वाला है तब उसके ऊपर दूसरा लग जाता है, उसके ऊपर तीसरा। ये तो सेम कलर का ही है, वरना कलर भी अलग अलग हो जाते हैं। पचरंगी कलर का नया इन्वेंट कर लेते हैं। गुजराती घर में तो टैलेंट की कमी नहीं है। शिवू फिनिश थी गयू, फिनिश केम थी गयू, हम जो तो शिवू फिनिश, फिनिश करो, फिनिश फिनिश थी गयू, शिवू फिनिश केम थी जाए, चाटा कर दे तो, चाटा कर दे, जे 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 करो, जे 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 करो।